और इसके साथ साथ अभी अगर हम पार्टी की बात करें तो ये ठीक है, अमित शाह जी के नेतृत्व में 17 राज्यों में हमारी सरकार आई है, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि पार्टी ने अभी और अच्छे दिन देखने हैं और आगे बढ़ना है, 17 से 25 26 तक जाना है और इसको जाने के लिए तेलंगाना भी भाजपा युक्त होना है, इसके लिए हमको काम करना है और इसके लिए हम काम में जुटे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां भी तेलंगाना में 26 लाख परिवार हैं जिनको आयुष्मान भारत का मिलना था, 26 लाख परिवार, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जो व्यवहार से शहंशाह हैं, जिनका विचार मैं और मेरा परिवार बाकी सब साफ, ऐसे लोगों का इनको तेलंगाना की जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई सारोकार नहीं है। 36 लाख परिवार, 26 लाख परिवार आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए हकदार हैं, लेकिन इन्होंने आयुष्मान भारत तेलंगाना में नहीं लागू किया क्योंकि इनको मोदी नहीं चाहिए, इनको अपना और अपना परिवार चाहिए, यही लेकर के ये चले। और छोड़ो, मेरी बात तो छोड़ दो, आयुष्मान भारत आरोग्य श्री का क्या हो रहा है, 14,000 करोड़ रुपए देने बाकी हैं, 1400 करोड़ रुपए देने बाकी हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस स्ट्राइक पर हैं, कोई काम नहीं चल रहा, ये इनका स्वास्थ्य का नजरिया है। और यहां जितेंद्र रेड्डी जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि जब हमारे तेलंगाना के लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और आपने कहा कि तेलंगाना को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चाहिए, कानून में नहीं था, अभी मिलना बाकी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बीमार हैं, उन्होंने कहा नड्डा इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देना है, तेलंगाना को दे करके रहो, उसकी व्यवस्था करो, और हमने कैबिनेट में पास करके दिया, ये हमारा देने का मन है, लेकिन इनका लेने का मन नहीं है, हमारा देने का मन है, इनका लेने का मन नहीं है। आयुष्मान भारत हम देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाहते, और इनका जो कटोरा है उसमें बीच में छेद है, कमीशन वाला छेद है, ऊपर से डालो तो नीचे कमीशन में चला जाता है, ये है इनकी सरकार। मैं व्यक्तिगत रूप में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आजकल मैंने सुना है कि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, वो वास्तु समझ नहीं आ रहा है, वास्तु तो 2022 में समझा दिया जाएगा, ये पक्का, ये पक्का, वास्तु नहीं समझ में आ रहा है, 35 साल पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, ये ऑटोक्रेटिक सरकार नहीं है तो और क्या है, ये प्रजातांत्रिक सरकार है। मुझे बताया गया कि कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। कैबिनेट की बात करो तो कैबिनेट में हमारी महिला शक्ति नदारद, ये छोटी घटना नहीं है, ये व्यक्ति के मानसिक नजरियेपन का विचार है। आज हमारा एससी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में, सरकार घर से चल रही है, सेक्रेटेरिएट से नहीं चल रही है, प्रोजेक्टों को रोका जा रहा है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.21 लाख हाउसेस के लिए हम लोगों ने अप्रूवल दिया, ये सिर्फ 80,000 बना सके, और जो अपना टू रूम बेड था तो वो तो रह गया, टू रूम बेड का सपना वो तो पूरा होने नहीं दिया। अगर हम बात करें करप्शन की, तो अगर हम कालेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट को ले, कालेश्वरम को इरिगेशन प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ में बनने वाला था, इसके प्राइस को बढ़ा के 80,000 करोड़ कर दिया गया,
40 लाख हेक्टर भूमि को सींचना था, एक इंच भी भूमि सींची नहीं गई और प्रोजेक्ट कमीशन हो गया। अब ये कालेश्वरम कितना सुंदर नाम, कितना पवित्र नाम और कितना इनका गंदा काम। कालेश्वरम कोई बदनाम कर रहे हैं, कितना पवित्र नाम और इनका कितना गंदा काम। आप सोचो, आप सोचिए कि जो लाखों किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक तो 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ पे पहुंचाया और 80,000 करोड़ में पहुंचा करके भी भूमि सिंचित नहीं हुई है। इस तरीके की परिस्थिति ला करके इन्होंने खड़ा किया। इन्होंने टैंक्स की सफाई करनी थी, टैंक्स की, ककातिया प्रोजेक्ट मिशन, ककातिया मिशन, और इसमें टैंक्स की सफाई करनी थी। इन्होंने ऐसी सफाई की कि टैंक तो टैंक, सफाई का सफाई हो गई। ऐसी सफाई की, मिशन क्या था? मिशन फॉर कमीशन, नॉट फॉर ककाटी। ये इनका काम था, मिशन भागीरथा। अब ये मिशन भी बड़े जोर जोर से लिए। भागीरथ भगवान ने तो गंगा ऊपर से धरती तक पहुंचा दिया, लेकिन आपके शहंशाह ने उसको जमीन पर आने के बाद जनता तक पहुंचाया नहीं है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमारे ध्यान में रखना चाहिए। हरिता हरम यह भी प्रोजेक्ट लिया गया। इसमें कहा गया कि 35 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन होगी, हरा हरा रहेगा। अब वो हरिता हरम का तो पता नहीं हरियाली कितनी हुई, लेकिन जमीन गर्म बहुत हो गई, जलवायु गर्म बहुत हो गई। पेड़ नाम की चीज नहीं, कोई देखने को नहीं मिलता और कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आपकी सरकार चल रही है, ये हमको ध्यान में रखना। हमारे यहाँ कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आपके यहाँ कहते हैं कहना कुछ और करना कुछ। उसको आप कहते हैं चेपदी ओकटी चेसदी इनको ओटी। कहना कुछ और करना कुछ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तेलुगु में आपको इन सब बातों को बताने की। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो दलित मुख्यमंत्री होगा। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। आज क्या है? आज मैं और मेरे बाद मेरा परिवार, बाकी सब जाओ छुट्टी, कोई काम। ये परिवारवाद चल रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम वादा किया था कि हम हर दो घर देंगे और दो कमरों का मकान, टू बेडरूम। आज वो सारे का धरा पड़ा हुआ है, कोई स्कीम नहीं चल रही। भ्रष्टाचार युक्त सरकार, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है। और मित्रों, जो भारत सरकार के एक तो प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर रहे और भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है वो जमीन पर नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ऐसी सरकार को हमारे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ इनको चलता करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बने इसकी हमको काम में जुटना चाहिए, इसके लिए हमको काम में जुटना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम आप सबके सपोर्ट से एक अच्छी मजबूत पार्टी नीचे जमीन पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर। और आप देख रहे होंगे कि तेलुगु देशम से, कांग्रेस पार्टी से लोग, टीडीपी से, टीआरएस से भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वहां घुटन हो रही है, घुटन। घुटन क्यों हो रही है? क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी ही नहीं है। मेरी सुनो नहीं तो जाओ, मेरी मानो नहीं तो जाओ। आज इन सब चीजों से आपको निजात दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर
चाहे वो टीआरएस में जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी में आए, जो टीडीपी के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में आए। इस आह्वान के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबको मिलकर लेकर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में हम बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सेवा में पूरे तत्परता के साथ लगेगी, और हम तस्वीर और तकदीर तेलंगाना की आप लोगों के माध्यम से बदलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। धन्यवाद।